6, 9, 11 ओ भाई, तूने मेरी उंगली देख ली थी फिर उसके बाद तूने निकाला है। तू हमेशा हैंड क्रिकेट भी चीटिंग करता है। ओए चल, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, तू चीटिंग कर रहा है, तू रोता है। ओए थुलथुले, भाई साला, चल पेन फाइट खेलते हैं। अबे शाहरुख, मैम आने वाली होंगी यार। ओए थुलथुले, गेट पे चेक कर क्या मैम आ रही है कि नहीं। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, चल भाग। अबे क्लास मॉनिटर और नौकर एक ही होता है, जा। हाँ रुक, देखता हूँ। आई क्या मैम? अबे मैम आ रही है, जल्दी बैठो अपनी जगह। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अबे मैम के साथ तो प्रिंसिपल भी आया है। अबे सत्तू और जोगिंदर भैया भी तो आए हैं। साथ में ये कोई आदमी भी आया है। अबे ये कोई नया टीचर आया है क्या? क्या पता यार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव विद अस मिस्टर खटोला, ही इज आवर एलुमिनाई। सर एलुमिनाई मतलब? मिस्टर खटोला, वो क्या है कि थोड़े जाहिल बच्चे भी हैं हमारे स्कूल में, आपको तो पता ही होगा, आप भी यहीं से पढ़े हैं। अरे कोई बात नहीं सर, हो जाता है, बुड्ढा कहीं का। बेटा बाली, एलुमिनाई मतलब खटोला जी अपने ही स्कूल से पास आउट हुए हैं 1986 द वेरी फर्स्ट बैच। अरे ये तो अपने वाले हैं। और खटोला भैया, बेटा तमीज से बात करो, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी, ही वाज आवर स्कूल टॉपर एंड अ वेरी फर्स्ट स्कूल कैप्टन। Now currently he is a managing director of a esteemed company. अरे अंकल, आपके पास इतना पैसा है तो स्कूल में स्विमिंग पूल बना दो, क्यों है ना, और कैंटीन का मेन्यू बढ़वा दो, सिर्फ समोसे मिलते हैं यहाँ पे। बोल स्टॉप इट, वो थोड़े बदमाश बच्चे भी हैं हमारे स्कूल में, आप तो जानते होंगे, आप भी यहीं से पढ़े हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे करंट स्कूल कैप्टन सत्तू आए और अपने विचार स्पष्ट करें मिस्टर खटोला के लिए। जोगिंदर, यू सिट विद स्टूडेंट्स। अरे जोगिंदर भैया, हमें क्या है भे? आप यहाँ पे क्यों आए हो? बल्ला बन गया हूँ सत्तू का, तेरी वजह से मैं स्कूल कैप्टन नहीं बन पाया था, वरना सत्तू की जगह आज मैं स्पीच दे रहा होता। लोगों के हाथ की लकीरों पे लिखा होता है, लेकिन आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप हमेशा असिस्टेंट ही रहोगे, डल्ले। हमें बिल्ली की घीली लैंडी की शक्ल के, मुझे ज्यादा दल्ले दल्ले मत बोल, वरना तेरी चड्डी के अंदर जो दही भल्ले है ना, एक लात में फोड़ दूंगा। गुड मॉर्निंग टू द एस्टीम्ड गैदरिंग प्रेजेंट हियर एंड मिस्टर खटोला, वेलकम बैक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, आई एम ग्लैड टू मीट यू, क्योंकि आप सबसे पहले स्कूल कैप्टन थे और मैं करंट स्कूल कैप्टन हूँ। स्कूल कैप्टन बनने में काफी मेहनत, टीचरों की चाटने में मेहनत करी है तूने, सुअर की शक्ल के हराम खोर, सुलभ शौचालय में 5-5 रुपए मांगने वाले चिंदी चोर, कैप्टन की गंदी खा गया तू मेरी। अरे तो कुछ करो ना इस बारे में, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन खराब करो। अच्छा, कुछ तो करना पड़ेगा। And being a school captain, it's very tough, क्योंकि बहुत सारी responsibilities होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बे? बस तू स्कूल कैप्टन है दो कौड़ी का, स्पोर्ट्स डे पे टेंट लगाता है, पूरे ग्राउंड में चूना लगाता है मार्किंग का, एनुअल फंक्शन पे चेयरें रखता है, चेयरें उठाता है, साले प्रिंसिपल की बर्थडे पे फ्लावर देता है खड़ा होके। एक्सक्यूज मी जोगिंदर, माइंड योर लैंग्वेज। अरे सर आप ही बताओ, स्कूल कैप्टन होने का क्या फायदा है? बच्चों में बस थोड़ा दबदबा हो जाता है, उसके अलावा क्या मिलता है, कुछ मिला आपको? वेरी वेल सेड मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? जोगिंदर, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। विजिंदर, यू आर वेरी राइट, मुझे भी स्कूल कैप्टन बनने का बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन उसके बाद मुझे रोज स्कूल आना पड़ा, टीचर्स का काम करना पड़ा, बैक बेंचर्स के साथ मस्ती भी नहीं कर पाया मैं। हाँ बेटा सत्तू, सुन रहा है ना, मैंने भीख में तुझे कैप्टन बनने दिया था, कट गया तेरा। अपना काम कर गांडू। जोगिंदर बी क्वाइट। Mr. Khatola, as a principal, I am very proud of you that you are reaching heights of success. And मैं चाहता हूँ आप अपनी जर्नी के बारे में बच्चों को बताइए आपके ही स्कूल के, ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें। आज ये पुरानी दीवारें और टीचर्स को देख के बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा था पास आउट होने के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इस स्कूल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, परसिवरेंस, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग। सब झूठ है, देखो कितना बड़ा बन रहा है, इंसान को हमेशा ओरिजिनल रहना चाहिए। बंक मारना याद आता है, बच्चों की कंबल कुटाई करना याद आता है, टिफिन लूटना याद आता है, ये सब जो उसने वर्ड्स बोले ना, डिसिप्लिन, परसिवरेंस, हमारे यहाँ के बच्चों को इसकी स्पेलिंग तक नहीं आती। आज मैं आप बच्चों की शक्ल देखता हूँ तो खुद को आप में देखता हूँ, वही आंखों में जुनून जिंदगी में कुछ करके दिखाने का। अरे जोगिंदर भैया, अपनी आंखों में इसको क्या जुनून दिख रहा है? पिंकी को पटाने का जुनून है। जब अपनी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, तो अपनी स्कूल टीचर्स को कभी मत भूलिएगा।
आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ स्कूल टीचर्स का ही रहेगा। भुट्टा मेरा, पूरे टाइम तो क्लास के बाहर खड़ा रखती है मुझे, पढ़ने को ही नहीं मिलता, कहाँ से सक्सेसफुल बनूंगा? अगर गलती से कभी सक्सेसफुल बन भी गया ना, अपने दम पे बनूंगा। हैं? आधी स्कूल लाइफ तो असाइनमेंट सबमिट करो और नए असाइनमेंट लिखो में ही निकाल देती है टीचर्स। आखिरी में मैं अपनी स्पीच एंड करने में यही कहना चाहता हूँ कि जाओ बच्चों, जी लो अपनी जिंदगी। हाँ हाँ, मेरे सस्ते अमरीश पुरी, तू नहीं बोलता तो हम जैसे जिंदगी जीते ही नहीं। ओके एवरीवन, क्लैप फॉर मिस्टर खटोला। ओए ओए ओए, कोई ताली मत बजाना, चोट हो जाएगी। अंडी बंडी शंडी, जिसने ताली बजाई उसकी आगे समझ जाओ, अब ताली बजा के दिखाओ। आज जरा बच्चे नींद में है, एनर्जी कम है, मॉर्निंग का टाइम है ना, सुबह सुबह की स्पीच वगैरह सुन ली, इसलिए क्लैप नहीं किया, हरामखोर। अरे नो प्रॉब्लम सर, हम भी जब बच्चे थे बाहर से कोई स्पीच देने आता था तो ऐसे ही बोर होते थे। मे बी आई शुड गो नाउ। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू सर। मैं आपको गेट तक छोड़ के आता हूँ। आई विल सी यू ऑल। बल्ली, यू रेस्टलेस बॉय, अपनी कॉपी निकालो। क्या बात है, मैम को पहले से पता है मैं डायरी नहीं लाया, इसलिए कॉपी में नोट दे रही है। राइट 100 टाइम्स इन योर कॉपी दैट आई शैल नॉट रिपीट दिस। मैम 100 टाइम्स कैसे लिखूंगा? बल्ली मैं बता रही हूँ, मुझसे ज्यादा मुंह चलाया ना, मैं वो 100 को 1000 टाइम्स कर दूंगी। ओके 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 मैम। मैम को ऐसा लग रहा है ये 100 टाइम्स लिखने के बाद तू शरीफ हो जाएगा। एंड माय डियर जोगिंदर, यू आर सस्पेंडेड फॉर 10 डेज। व्हाट द हेल, तुम्हें सस्पेंड होने की खुशी हो रही है बेशरम कहीं के? थैंक यू मैम, वो मैथ्स वाली मैम सरप्राइज टेस्ट लेने वाली है, अब तो मैं बच जाऊंगा। अच्छा, अपने पेरेंट्स को भी यही कहना तो। पेरेंट्स? क्या मतलब मेरे पेरेंट्स को बुला लिया है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल सर हैज कॉल्ड योर पेरेंट्स, दे आर सिटिंग इन द प्रिंसिपल ऑफिस फॉर गॉड्स सेक।